Hello dear students, this video is for the students of BS University of Sargodha 4th term. Course code for this paper is URCE 5104, and in this video I'm going to explain some short questions from the poem Tartary. So let's move on to the first question. I will also translate it in Urdu language so that all the students from Pakistan and India can understand it. The first question is, write a brief summary of the poem Tartary. Answer: this is a romantic poem. The poet, who was not a rich person, wants to be powerful king of a beautiful country called Tartary. He wants to have in his possession birds, animals, rivers, valleys, trees, mountains, beautiful dresses, servants and powers. तो ये एक रोमानवी नज़म है. शायर इसमें जो है वो ज़्यादा अमीर बनता नहीं था, लेकिन इस नज़म के अंदर वो बादशाह बन जाता है एक दूर दराज की सरजमी का. ख़ूबसूरत वो सरजमी है जहाँ का शायर बादशाह बनना चाहता है. सरजमी का नाम है टार्टरी, जो तार्तरी अकवाम थी उनसे रिलेटेड है सेंट्रल एशिया में. तो शायर चाहता है कि उसके पास बहुत से परिंदे हों, जानवर हों, और दरिया हों, वादियाँ हों, दरख्त हों, पहाड़ियाँ हों, खूबसूरत लिबास हों, ग़ुलाम हों, ताकत हो उसके पास, और वो बादशाह हो खूबसूरत सरजमी टार्टरी का. तो यह है समरी इस नज़म की. दूसरा सवाल है, व्हाट डज़ द पोएट विशेस टू बी इन द पोएम टार्टरी. ये 2021 के BS 4th टर्म के पेपर में आ चुका है. शायर क्या बनना चाहता है इस नज़म में. The poet wants to be a powerful king of an imaginary land called Tartary. He wants to have golden throne, ivory bed, beautiful palace with servants, musicians, beautiful dresses, rivers and valleys. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बयान किया, शायर ताकतवर बादशाह बनना चाहता है एक तस्वुराती किस्म की सरजमी का जिसका नाम टार्टरी है, और वो चाहता है कि उस जगह पर उसकी सरजमी में उसका सोने का बना हुआ तख्त हो जिस पर वो बैठे, बिस्तर जिस पर वो सोए वो हाथी दांत का आइवरी का बना हुआ हो, और ख़ूबसूरत किस्म का महल हो उसका, और उसके पास सर्वेंट्स हों, उसके पास मौसीकार हों, खूबसूरत लिबास हों, दरिया हों और वादियाँ हों. तीसरा सवाल है, ये भी 2021 के पेपर में आ चुका है, और सवाल है, Of what will the poet's bed and the throne be made of in the poem Tartary? शायर का जो बिस्तर होगा और उसका तख्त होगा वो किस चीज़ से बने होंगे. He has a lot of dreams as the king of romantic land Tartary. He wants his throne to be made of pure gold. He also longs for a royal bed made of ivory or elephant tusks. शायर के बहुत से ख्वाब हैं बादशाह टार्टरी का बनने के बाद जो वो पूरे करना चाहता है. तो वो चाहता है उसके एक ऐसा तख्त हो जो कि खालिस सोने का बना हुआ हो, और वो चाहता है कि उसका शाही जो बिस्तर हो वो हाथी दांत का बना हुआ हो, एलिफेंट टस्क से बना हुआ हो. क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चंस. मैं सिर्फ आपको इस नज़म की करवा रहा हूँ फ़िलहाल. ये है, व्हाट इज़ अ रोमांटिक पोएम. रोमांटिक पोएम क्या होती है. इस टार्टरी अ रोमांटिक पोएम, क्या ये भी कोई रोमानवी नज़म है टार्टरी. जवाब है, अ रोमांटिक पोएम इज़ अ फैंसीफुल एंड इमेजिनरी पोएम फिल्ड विद एग्जैजरेशन. रोमांटिक पोएम रोमानवी नज़म वो होती है इसके अंदर बहुत सारे ख्यालात होते हैं, तसव्वुरात होते हैं, और एग्जैजरेशन मुबालगाराई भी होती है बहुत ज़्यादा. बातों को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है. दिज रोमांटिक पोएम्स यूजली हैव ड्रीम लाइक क्वालिटीज़. इनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है, खासियत होती है जैसे ख्वाब की सी सूरत हाल होती है इन नज़मों में. टार्टरी इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रोमांटिक पोएम. तो ये एक मुकम्मल मिसाल है रोमांटिक रोमानवी नज़म की. एवरी थिंग इन दिस पोएम इज़ इमेजिनरी. इस नज़म में सब कुछ तसव्वुर आती है. द थिंग्स दैट द पोएट ड्रीम्स टू हैव आर ऑल एसोसिएटेड विद द पावरफुल किंग्स ऑफ द पास्ट. शायर ने जिन जिन चीज़ों का ख्वाब देखा है वो सारी की सारी चीज़ें मंसूब की जाती हैं माजी के ताकतवर बादशाहों के साथ, और शायर वो सारी चीज़ें अपने तसर्रुफ में चाहता है. ख्यालात में ये सारी बातें की गई हैं, लिहाजा ये एक रोमानवी नज़म की आला मिसाल है. इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5. टोटल मैंने आपको 8 सवाल करवाने हैं इस नज़म में से. क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ इस नज़म के शॉर्ट क्वेश्चंस.
व्हाट इज़ अ सिमिली, सिमिली क्या होती है, ब्रिंग आउट द सिमिलीज यूज्ड इन द पोएम टार्टरी, इस नज़म में कौन कौन सी सिमिलीज, तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं। आंसर है सिमिली इज़ यूजली एन इंस्टेंस इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। दो चीज़ें हैं डिसिमिलर हैं, एक जैसी नहीं हैं, उनको आप कंपेयर करते एक दूसरे के साथ मिलाते हो और लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हो लाइक और एज, जैसा कि की तरह, ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हो तो उसको हम सिमिली तशबीह कहते हैं कि एक चीज़ को हमने दूसरी चीज़ के साथ मिला दिया की तरह कहकर। सिमिलीज़ यूज्ड इन दिस पोएम, इस नज़म में जो सिमिलीज़ इस्तेमाल की गई हैं वो कुछ यूँ हैं। शायर ने कहा कि वहाँ पर बत्तियाँ दिए जलेंगे जिनकी जो शोला होगा वो येलो एज हनी, रेड एज वाइन, एज है ये लिखा हुआ यहाँ पर तो शोला उनका जर्द रंग कैसा होगा जैसे जर्द रंग की शहद होती है, सुर्ख रंग कैसा होगा जैसे शराब होती है। लैम्प्स के मुतालिक उसने कहा सिमिली इस्तेमाल की। फिर उसने कहा क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स, मोतियों के मुतालिक कहा कि उनके ऐसे गुच्छे होंगे, मोती जो उसने पहने होंगे जैसे इकट्ठे बीज पड़े होते हैं वैसे ढेर ढेर सारे मोती होंगे जो उसके लिबास में जुड़े होंगे। एंड ट्रेम्बलिंग लेक्स लाइक फोमलेस सीज, उसने साथ में एक और सिमिली इस्तेमाल की, उसने कहा कि थरथराती हुई झीलें होंगी ऐसी जैसे बिना झाग के समंदर का पानी होता है वैसा मेरी झीलों का पानी होगा। तो इन सब में दो चीज़ों को मिलाया गया, लाइक या एज इस्तेमाल किया गया, तो ये चार सिमिलीज हैं जो इस नज़म में इस्तेमाल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ विल द पोएट्स रॉयल ड्रेस बी इन टार्टरी, टार्टरी में शायर का शाही लिबास कैसा होगा। एस्किंग ऑफ टार्टरी वांट्स टू वेयर अ रॉयल रोब ऑफ बीड्स, टार्टरी के बादशाह के तौर पर शायर चाहता है वो मोतियों से बना हुआ एक शाही चोगा पहने, रोब लंबा लिबास जो आपकी गर्दन से लेकर पैरों तक जाता है उसको रोब चोगा कहा जाता है, बादशाहों का लिबास है, और वो कहते हैं उसके ऊपर बीड्स मोती लगे होंगे। द बीड्स डेकोरेटिंग द रोब विल बी ऑफ वाइट गोल्डन एंड ग्रीन कलर्स, और उस चूगे को सजाने वाले जो मोती होंगे वो सफ़ेद रंग के, सुनहरी रंग के और सब्ज रंग के होंगे। द पर्ल्स वुड बी सेट ऑन हिज ड्रेस क्लोजली एंड इन ग्रेट क्वांटिटी, तो ये जो मोती होंगे ये उसके लिबास पर लगाए गए होंगे, पास पास करके लगाए होंगे गए होंगे और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगाए गए होंगे। ये शायर का लिबास है जो वो पहनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस नज़म में से ये सवाल है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम टार्टरी, इसका मरकजी ख्याल क्या है। वाल्टर डी लमेयर इज़ द पोएट ऑफ रोमांस एंड चाइल्डहुड, तो ये वाल्टर डी लमेयर रोमानवियत का और बचपन का शायर है। लाइक ऑल रोमांटिक पोएट्स ही एस्केप्स इनटू एन आइडियल एंड लॉक्ड फॉर वर्ल्ड, तो सारे रोमानवी शायरों की तरह ये ऐसी दुनिया के अंदर चला जाता है, भाग जाता है, फरार हो जाता है जहाँ जो आइडियल मिसाली किस्म की जगह हो, जहाँ पर कोई गम दुख ना हो, खुशियाँ हो। एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव पावर एंड अथॉरिटी, द पोएट गेट्स दीज थिंग्स एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, तो सब लोगों को पावर और अथॉरिटी चाहिए होती है, शायर को वैसे तो नहीं मिलती लेकिन ख्वाबों की दुनिया में चल के ये सारी चीज़ें हासिल करता है और ही बिकम्स अ किंग देयर, वहाँ बादशाह बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस नज़म से शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो ये है व्हाट काइंड ऑफ कैरेज द पोएट लॉन्ग्स टू हैव इन टार्टरी, शायर क्या कहता है कि वहाँ उसके पास टार्टरी में किस किस्म की बग्घी होगी। द पोएट वांट्स टू हैव अ न्यू काइंड ऑफ रॉयल कैरेज, शायर कहता है उसकी नई किस्म की एक शाही बग्घी होगी। हिज कैरेज विल नॉट बी ड्रॉन बाई हॉर्सेस, उसकी जो कैरेज है उसको घोड़े नहीं खींचेंगे, रादर बाई 7 ज़ेब्रास, 7 ज़ेब्रे होंगे उसकी बग्घी को खींचेंगे। एंड राइडिंग हिज रॉयल कैरेज ही वुड विजिट हिज जंगल्स वैलीज एंड रिवर्स, तो अपने उस शाही बग्घी पर बैठकर वो जाएगा जंगलों में भी, वादियों में भी और दरियाओं को भी देखेगा। तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस नज़म में से। बाकी जो कोर्स कोड है 5104 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा 4th सेमेस्टर, जो कि तमाम BS के मज़मीन में फ़िलहाल यही इंग्लिश के पेपर का सिलेबस है, तो इसके तमाम जो भी टॉपिक हैं उन सब के शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं खुद आपको लिखकर इसी प्लेलिस्ट के अंदर शेयर कर दूंगा। आप लोग इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, क्लासमेट्स के साथ,
क्योंकि अक्सर जो हेल्प बुक्स हैं उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं हैं, जबकि एक अच्छा भला पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का आपके पेपर में पूछा जाता है। तो उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।